हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आलू से बनने वाली एक ऑलराउंडर रेसिपी लेके आई हूँ। इसे हम आलू की कतली कहते हैं। इस रेसिपी को आप पूरी, पराठे, रोटी या फिर राइस और दाल के साथ भी खा सकते हैं, और हाँ, आप इसे शाम को चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इस ऑलराउंडर रेसिपी को बनाते हैं। इसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज के आलू को छील कर इसे इस तरह से ना ज़्यादा पतले और ना ज़्यादा मोटे काट लिया है, ये देखिए। और इसे मैंने अच्छी तरह से धो भी लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक लेंगे स्वादानुसार, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ये मैंने लिया है 1 चम्मच, गरम मसाला ये 1/2 चम्मच, चिली फ्लेक्स ये आप कम या ज़्यादा जैसा तीखा खाते हैं उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, थोड़ा सा कसूरी मेथी, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। और ये अंत में जाएगा 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। अब हम इन सभी मसालों को आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इन आलू को शैलो फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैंने डाला है 2 से 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल, आप कोई भी ऑयल ले लीजिए। तो चलिए अब हम इन सारे आलू को एक एक करके इसमें डाल देते हैं। फ्लेम को हम मीडियम पर रखेंगे। ये देखिए, मैंने सारे आलू को पैन में डाल दिया है और ऑयल को हम थोड़ा सा इस तरह से फैला लेंगे और इसे हम दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे फ्राई करते हुए, तो चलिए अब हम इसे दूसरी साइड पलट लेते हैं। ये देखिए, मैंने सारे आलू को पलट लिया है। अब हम सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है, यानी कि ये बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो लीजिए, रेडी है आलू की कतली। मैंने थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर डाला है। बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है ये। अगर शाम के नाश्ते में आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और कमेंट करके मुझे बताएं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।